पिछले साल संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पर्यावरण के विषय में कहा था कि प्रकृति अब साफ संदेश दे रही है, अपने लाभ के लिए हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बाढ़, सूखा, तूफान और जंगल में आग जैसी तमाम घटनाएं हमारे कारण बढ़ रही हैं। समय रहते इन्हें बचाना होगा। अब जो क्षरित हो चुका है, यानी जिस पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो चुका है, हमें उसे रिस्टोर करना होगा, बहाल करना होगा। ये मैं इस साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस साल पर्यावरण का थीम यही है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में एक नहीं दो दो बार लॉकडाउन की स्थिति पहुंची। एक समय तो ऐसा आया जब पूरी दुनिया पर ताला लग गया। इसने लोगों की जिंदगी पर भले नकारात्मक असर डाला हो, लेकिन एक चीज है जो खिलखिला उठी थी और वो थी प्रकृति। आपने भी इस साल देखा होगा, भारत में सहारनपुर से दूसरे लॉकडाउन में भी पहाड़ दिखने लगे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों का हस्तक्षेप इस दौरान काफी कम हो गया। सड़क पर गाड़ियां नहीं थी, प्रदूषण नहीं था, फैक्ट्रियों से रसायन नहीं निकल रहे थे, नदियां साफ हो गई थी, दूर से ही पहाड़ दिखने लगे थे, पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे थे, नदियों और समुद्रों में डॉल्फिन खेलने लगी थी। प्रकृति के लिए न जाने क्या क्या खुशनुमा हुआ, लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। वो तो हमारी जान पर आई तो हम घरों में बंद हो गए। लेकिन प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु के प्रति हम क्रूर न हों, इसकी जागरूकता के लिए, समस्याओं पर विचार करने के लिए साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसी दौरान यूएनईपी की भी स्थापना हुई थी। तभी यह फैसला हुआ कि हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए हर साल एक थीम रखा जाता है। इस साल का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जिस पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो गया है, हम उसे फिर से बहाल करें। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में स्वस्थ जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। हर साल एक ग्लोबल होस्ट भी होता है, यानी एक देश होता है जो ग्लोबल होस्ट कहलाता है, तो इस साल का ग्लोबल होस्ट है पाकिस्तान। आंकड़े बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की लचर नीतियों के कारण पिछली सदी में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि जब हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बुखार से शरीर तप जाता है। ऐसी ही पृथ्वी भी है। इसके अलावा पिछली सदी से अब तक समुद्र के जलस्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी हुई है। इस दिशा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते रहते हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर भी होते हैं। साल 1992 में रियो सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास पर रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जैसे दस्तावेज जारी हुए। क्योटो, बाली, पेरिस सम्मेलन भी अहम रहे। रणनीति बनी, हस्ताक्षर हुए, लेकिन कुछ एक को छोड़कर कानूनी रूप से बाध्यकारी कुछ नहीं है। साल दर साल प्राकृतिक आपदा बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के नुकसान में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का भी बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और खतरनाक गैसों और रसायनों का उत्सर्जन बढ़ता चला गया। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम हॉरिजॉन्टल विकास नहीं कर सकते, यानी जमीन इतनी नहीं है कि सबको एक साथ मकान दिया जाए। इसलिए अब शहरों का विकास वर्टिकल हो रहा है, यानी एक के ऊपर एक मकान, जिसे आप अपार्टमेंट्स कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। शहर जंगल की पीठ पर चढ़कर बनाए जा रहे हैं। लेने को साफ हवा नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षा का पैटर्न भी बदलता हुआ नजर आया है। जहां बरसात नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रही है, और जहां बरसात हुआ करती थी वहां सूखा पड़ रहा है। पर्यावरण और जलवायु के इस बदलाव ने न केवल मानव जाति बल्कि कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने पर भी मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी की 1/4 प्रजातियां साल 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। इसके अलावा हीट वेव्स के बारे में भी आप पढ़ते रहते होंगे। इसके कारण भारत में कई जगह जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजोन के जंगलों में आग लगने की घटना साल 2018 से अब तक 85% तक बढ़ गई है। याद रखिए, पर्यावरण को नुकसान होगा तो फसल पर भी असर होगा। बाढ़, सूखा या जलवायु में बदलाव से पैदावार कम होने का खतरा बढ़ता जाता है। खाद्य समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक वैसे जैसे यूरोप में गर्मी की लहर की वजह से फसल की पैदावार गिर रही है। वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आती है।
इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखिए। ये धरती आपकी है, हमारी है। पर्यावरण केवल कानूनों के आने से स्वच्छ नहीं होगा, भागीदारी से होगा। संतुलन संसार का नियम है। नहीं जागेंगे तो प्रकृति जगाएगी। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम उसके सहचर हो जाएं काफी है। अपने लिए न सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए सही, कुछ तो करना होगा। क्या कर सकते हैं जरूर सोचिएगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। जैसा मैंने आपको बताया, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। तो आपको मुझे बताना है कि भारत की ओर से किसने उसमें भागीदारी की थी, यानी 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की ओर से भागीदार कौन था, कौन नेता थे या कौन नेता थी। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।